आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज कवर करेंगे हम सभी 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है, क्लास सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और 10 से 12 मिनट के अंदर दिन भर के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है ना, मैं आपको पर डे जो है वो अप टू डेट करवा देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट। और एक बात, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को जो है वो मिलता रहे। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है ना, वो हम सभी 7 नवंबर यानी आज के दिन हम सभी यह दिवस मनाते हैं। और एक बात और, यह 2020 का ना जो थीम है, जो विषय है, वो डिसाइड नहीं किया गया, वो नहीं दिया गया है जो पैंडेमिक, जो महामारी कोरोना वायरस फैला है ना, इसके वजह से। ठीक है, बस आपको डेट याद रखना है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाते हैं। और आप थोड़ा सा भी दिमाग में संकोच मत रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे ना विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे, तो यह मनाया जाता है आप सभी का 4 फरवरी को। तो ये दो ऑप्शन में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो बिल्कुल भी दिमाग में डाउट आने मत दीजिएगा। जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 7 नवंबर को। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बन गया है? यहां पर दो तीन चीज याद रखिएगा आप सभी। पहले तो अगर एग्जाम में पूछ देना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में टोटल इस संगठन के कितने देश है, यानी इस संगठन में टोटल कितने देश जो है वो मेंबर है, सदस्य हैं, तो आप क्या बोलिएगा? अभी रिसेंट का डाटा बता रहा हूं मैं, पूरा करेंट 190 कंट्री जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मेंबर है, याद रखिएगा। अभी जो नया देश जो शामिल हुआ है उस देश का नाम है क्या? तो उस देश का नाम है आपका अंडोरा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। और एक बात, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप कम से कम पढ़ते रहना रेगुलर बेसिस पर, जो मैं आपको डेली करवाता भी हूं। चेयरपर्सन कौन है आईएमएफ का? तो मासाटिसुगु आसाकावा। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? मंडोलियंग फिलीपींस में। और इसका गठन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में। अच्छा याद रखिएगा, 190 सदस्य हैं आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में। ठीक है, 190वां देश कौन जो है वो अभी शामिल हुआ है? तो वो है आपका एंडोरा। एंडोरा का राजधानी क्या है? आपका एंडोरा ला वेला। यहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यूरो। और यहां के जो इस कंट्री के हेड है, जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति बोल सकते हैं, उनका नाम क्या है? जेवियर एस्पोर्ट जेमोरा। ये आपको याद रखना है, या फिर आप एक बार ना कमेंट्स में ये लिख दो ताकि आप जब अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास जब ऑप्शन हो ना तो आपको लगे ये कहीं ना कहीं पढ़ा लग रहा है, तो आंसर सही देने के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है नेटो। यहां पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, नेटो गठबंधन ने बढ़ती रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नेटो क्या है भैया? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं अभी सुबह में, आज का पहला क्वेश्चन ना आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। क्या है भैया? देखो, जैसे IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है ना, उसी तरह नेटो जो है वो एक संगठन है। आज का पहला प्रश्न है, पता है क्या है आपका? नेटो का फुल फॉर्म आपको कमेंट कर बताना है, इसका फुल फॉर्म है क्या? ठीक है, और नेटो का गठन कब हुआ था यह बताना है दूसरा चीज, और नेटो के अध्यक्ष कौन है, यह तीन चीज आपको नेटो के बारे में बताना है। अच्छा, नेटो जो संगठन है इसके कुल कितने सदस्य हैं? तो इसके अंडर ना टोटल 30 सदस्य हैं, 30 कंट्री हैं, याद रखिएगा।
अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है ना, एक नया स्पेस सेंटर जो है आपका अंतरिक्ष केंद्र जो है वो स्थापित करेगा, ताकि रूस और चीन से खतरा, जितना भी आपको पता है कहीं ना कहीं चीन और रूस जो है वो बहुत पावरफुल देश है, हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते रहती है मिसाइल वगैरह को लेकर। तो इनसे बचने के लिए ना, इनके जो भी अगर आगे चलकर जो भी खतरा होगा, तो जितने भी देश हैं इनके अंडर नेटो के अंदर, उनको बचाया जा सके, इसीलिए एक अंतरिक्ष केंद्र का जो है वो स्थापना किया जा रहा है। कहां पर? जर्मनी में। आप देख पा रहे हैं फोटो में, देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा रिसेंट फोटो मैं आपके सामने लगाया हूं, यही है आपका क्या, तो आपका स्पेस सेंटर जो जर्मनी में स्थापित किया गया है। और एक बात, जर्मनी का राजधानी क्या है आपका? बर्लिन। मुद्रा इस्तेमाल करते हैं वहां पर यूरो, और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो यहां पीएम हो गया है, वहां के राष्ट्रपति है, क्या नाम है उनका? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है, किस राज्य की सरकार ने बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा से जितने भी परिवार है ना, उनके परिवार में जितने भी बालिकाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, उनको वित्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है? कौन सा राज्य? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर हमारा डी, देख पा रहे हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा दो बच्चियों को लेकर खड़े हैं इस योजना के जब उद्घाटन किया जा रहा था तब का ये फोटो है। ये योजना बोलता क्या है भैया, देखो 19,000 अगर किसी भी बीपीएल परिवार में, जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है ना, अगर उसमें दो बच्चियों को जो है उनके जन्म के वक्त ना, आप बोल सकते हो प्रीमियम जमा किया जाएगा, ठीक है, और 18 साल पूरा होने के बाद ना, उनका पैसा जब उनका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो 1,00,000 रुपए जो है हर एक बेटी को दी जाएगी। अच्छा, प्रीमियम जमा कितना किया जाएगा? तो जो पहली बच्ची है उनके लिए 19,350 रुपए का प्रीमियम जमा किया जाएगा 18 साल तक, और दूसरी बच्ची के लिए तो 18,350 रुपए का। अब आप बोलेंगे भैया मेरे परिवार में तो एक ही बेटी है, तो उनको 19,350 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, अगर दो बच्ची है तो पहली को इतना दूसरी को इतना, और जब दोनों 18 साल की हो जाएगी तो 1,00,000 रुपए का जो है वो अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कर्नाटका का राजधानी बैंगलोर होता है, यहां पर लोकसभा सीट 28 है और राज्यसभा सीट आपका 12, यहां के राज्यपाल कौन है? बज्जू भाई बाला। मुख्यमंत्री बता चुका हूं कौन है, तो येदियुरप्पा साहब। अच्छा, यहां के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब है श्रीनिवास ओका, ये आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय नौसेना ने कोची में कितने महिला पायलट को पहले बैच का संचालन किया है और ड्रोनियर विमान उड़ाने के लिए ट्रेंड किया गया है? पहले बैच में 3 पायलट को जो है वो परमिट किया गया है, इन 3 पायलट का नाम क्या क्या है ये भी याद रखिएगा, दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप होगा, यहां पर पी मिसिंग है, और शिवांगी, ऑप्शन नंबर हमारा ये ऑप्शन बोल रहा हूं, 3 नाम है, ये 3 नाम आप याद रखिएगा, ये 3 महिला एयर पायलट को परमिट किया गया है, किसके लिए? ड्रोनियर एयरक्राफ्ट का जो है ये उड़ाएंगी, याद रखिएगा आप सभी। इंडियन नेवी का चीफ कौन है? करमबीर सिंह, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, याद रखिएगा, पोर्टल पर वैगनों के ट्रैक और ट्रेस करने की भी सुविधा होगी, याद रखिएगा,
जितने भी मालगाड़ी होते हैं, माल ढलाई, जितने भी उनसे जुड़े हुए बिजनेस होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ना एक पोर्टल लॉन्च किया गया है रेलवे के द्वारा। उस पोर्टल का नाम क्या है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम और डेवलपमेंट पोर्टल, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य ने ई वाहनों के लिए 100% कर छूट की जो है वो घोषणा की है? कहने का मतलब है ना, तमिलनाडु में जितनी भी गाड़ियां हैं जो बैटरी पर चलती है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पूरा 100% टैक्स जो है वो छूट दिया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापड़ी के पलनीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही, लोकसभा सीट 38 है और राज्यसभा सीट आपका 18 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ओपन एरा में 1000 मैच जीतकर दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? याद रखिएगा, अभी जितने भी आप टेनिस मैच देखते हैं ना, अभी मात्र 4 खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 1000 टेनिस मैच जीता है। कौन बन गया है अभी चौथा? तो स्पेन के राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बाकी 3 खिलाड़ी का नाम क्या है भैया? इमी कॉनर, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच जीता है टेनिस में, 1274। दूसरे पर कौन है? रॉजर फ्रेडर, ये तो सभी जानते होंगे, सुपरस्टार है। चौथा पर आपका लिंडल, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 4 नवंबर को किन दो देश की नौसेना में के बीच जो है वो संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू हुआ था? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में, अगर एग्जाम में पूछे कैरेट नौसेना अभ्यास किस दो देशों के बीच का अभ्यास है, तो आप क्या बोलिएगा? बांग्लादेश और अमेरिका, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब का? तो 7 नवंबर का। क्लास अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक करिएगा, और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, साथ में अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।